हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आइए हम सब इस पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं क्योंकि मैं बोर्ड अभी पहुंच नहीं सकता, इसको हमें इसके भी इसे भी रिवाइज करना है, इसलिए मैंने इसको कल का ऐसे का ऐसे ही रखा है। हम कहाँ से आए? भगवान कृष्ण से, सारे विस्तारों से जो विस्तार आते हैं करते करते जो महाविष्णु के, यानी उससे पहले ब्रह्म ज्योति से जो महत्तत्व बनता है, उस सारे विस्तार में जो भगवान गर्भ महाविष्णु जो हैं उनसे, उनके सांसों से ब्रह्मांड आते हैं। उन ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जैसे हम लोग कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, तो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। उस अनंत ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड में हम जा रहे हैं जो हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। उस ब्रह्मांड के अंदर सारे तत्व जाते हैं जो हमने ओरिजिन ऑफ क्रिएशन के 10 पार्ट्स में हमने देखे हैं। उसमें काल प्रवेश करता है, वो भी हमने देखा। ब्रह्मा जी क्रिएट होते हैं, उसके अंदर जो है उस ब्रह्मांड के अंदर स्वयं महाविष्णु गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में चले जाते हैं। द्वितीय पुरुष अवतार कहा जाता है। महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और शिरोदक्षा विष्णु, इनको पुरुष अवतार कहा जाता है, जो इस सृष्टि के चलाने में बहुत मदद करते हैं, या वही सब चलाते हैं बेसिकली। मदद क्या करेंगे, वो उन्हीं का ही क्रिएशन है। तो वहां से वो जब जाते हैं तो अंदर गर्भोदक्षा विष्णु बन जाते हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी आते हैं, और नाभि कमल के अंदर ब्रह्मा जी खोजते हैं तो कुछ नहीं दिखता, तो भ्रमित होते हैं। तब तक ये एलिमेंट्स प्रवेश करते, तो उनको तप करने के बाद उनको समझ में आता है कि करना क्या है। फिर वो सारे सृष्टि को असेंबल करते ताकि अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग योनियां, अलग अलग जगह पे स्थानों में वो अपने अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकते कर्म अनुसार। तो ये बनता है, तो उसका जो एलिमेंटल चीज है वो मैंने ओरिजिन ऑफ क्रिएशन 10 के 10 पार्ट्स में बता दिया है, जो आप यूट्यूब पे दास गदाधर दास नाम के मेरे चैनल में जाके सारे देख सकते हो। लॉकडाउन सीरीज है एक, और अगर आप ये कॉस्मोलॉजी भी देख रहे हो क्रिएशन में, स्पेशली जो एलिमेंट्स का बात जो हमने ये लिया है आपको स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर हम अभी समझा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में अभी हम कहाँ हैं, इधर तक पहुँचेंगे, फिर अभी का रिवाइज करके अंदर जाएंगे। तो स्ट्रक्चर में हम लोग ब्रह्मा जी से लेके नीचे पाताल लोक तक जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, इसका डायग्राम हमने देखा पिछले सेशंस में। उसमें हम लोग जो भूमंडल है मेरु पर्वत के नीचे, जो सातवां लोक है भूमंडल, उस भूमंडल पे हम अभी हैं। तो भूमंडल जो है ये, इसके 7 द्वीप हैं जो हमने उस दिन भी देखे बड़े डायग्राम। एक द्वीप दूसरे द्वीप से डबल है, और उन दोनों के बीच में ओशन है, सागर है, कहीं दूध का सागर है, दही का सागर है, कहीं ये सारे चीजें हैं, तो ये सारे दिया हुआ है। कई बार ये वर्णन बाइबल में भी आता है, जब जीसस ने बोला कि आई विल टेक यू टू द प्लेस वेयर देर इज यू नो शुगर केन ओशन, ऐसा बोला है। तो ऐसे तो सभी पूरा जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, सिविलाइजेशंस हैं, उन्होंने भी ये कन्फर्म किया है। तो एनीवेज, उसके कन्फर्मेशन पे हम नहीं हैं क्योंकि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर इटर्नल है, उसमें ऑलरेडी सारे वर्णन हैं। और यहाँ पे वो पूरा जो भूमंडल है, उस भूमंडल के बीच में मेरु है, ऐसे जो मैंने आपको दिखाया था, ऐसे है मेरु। ये मेरु है, पूरा 1 लाख योजन का है, भूमंडल के ऊपर से 16, इधर से नीचे 16 और इधर से 84 है। और कल मैंने आपको बताया कि वो बेस 16 का है, तो मैंने मेरे स्कॉलर से पूछा तो बोले यहाँ नहीं, वो इसको बेस मानते हैं, ये 16 है, ठीक है। तो हमारा जो डायग्राम था वो 16 का, ये वाला और ये वाला, वो सही था मेरु का। तो ये इधर से 16 है और इधर से 84 ऊपर है। ये मेरू जो है गोल्डन माउंटेन है, और इस गोल्डन, ये मेसी येलो है लेकिन गोल्डन माउंटेन है वो। तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन हम लोग देख चुके थे, कितना हाइट है, कितना साइज है। मैंने आपको साइड व्यू दिया था, फिर टॉप व्यू दिया, ये टॉप व्यू में हम लोग देखे थे, ये बीच में मेरू है, फिर अब हम यहाँ आए हैं। उस 7 द्वीपों में जो पहला द्वीप है, कोश जिसको कहते हैं, या कर्नल जिसको कहते हैं, या सेंटर पॉइंट जिसको कहते हैं, उसको बोलते हैं, उसको कहते हैं कोश, जम्बू द्वीप कहा जाता है। अब ये जो जम्बू द्वीप है बीच में, अभी आप समझिए, तो बेसिकली कैसा है, देखिए वो हम लोग करते हैं ना घरगुती आइटम से पढ़ाई करने का क्योंकि अभी मैंने मॉडल बनाने का टाइम सच में नहीं मिला। तो ये ऐसे है मंडल, ठीक है, ये बीच में मेरु है, और ये जो दो बार ये मैं समझाऊंगा आपको, एक तो पूरा भूमंडल ऐसा है, ऐसे जाता है, वो ऐसे से जाते हैं। अगर आप इसको ऐसे करिएगा तो ये एक ऊपर वाला जम्बू, ये एक जम्बू द्वीप हो गया, अभी ये ओशन हो गया, ये एक द्वीप हो गया, ये दूसरा, ये ऐसा, ऐसे करते करते ये ऐसा स्लोप है, और फिर यहाँ मानसोत्तर माउंटेन है जहाँ पे सूर्य घूमता है। तो ये हो गया भूमंडल, जो बड़ा मंडल है। अब उस भूमंडल के बीच में जो जम्बू द्वीप है यहाँ का, वो ये है, गोल है,
जैसे यहां गोल दिख रहा है आपको, ये गोल है। अब जम्बू द्वीप के बीच में ये जो इलावृत वर्ष है ना, इलावृत वर्ष छोटा वाला, ये भी उल्टा सॉकर की तरह है, यानी मराठी बोलते हैं ना कपबशी, चाय पीते हैं तो वो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको अगर उल्टा कर दीजिएगा तो वो एंगल से ये भी यहाँ है, पर उसमें हम बाद में जाएंगे। ये हमारे गुरुकुल का किचन सामान है, कुछ मिला नहीं तो मैंने यही मंगवा लिया आपको समझने के लिए। तो ये हम यहाँ कल पढ़ रहे थे जम्बू द्वीप कैसे है, अब आपको समझ में आ रहा है जम्बू द्वीप। जो थोड़ा रिवाइज करता हूँ क्योंकि कल बहुत लोगों के समझा भी, लेकिन कुछ रिवाइज करने से हम कहाँ आए, उसके बाद हम इलावृत वर्ष में जाने वाले हैं तो हमको मालूम होना चाहिए हम कहाँ हैं। तो जम्बू द्वीप जो है वो 9 वर्षों से डिवाइडेड है। वर्ष यानी साल नहीं, वर्ष यानी वैली, दो पहाड़ों के बीच में जो लैंड है उसे वर्ष कहते हैं। तो ऐसे 9 वर्ष से ये डिवाइडेड है। तो कैसे डिवाइडेड है, तो ये सारे जो पर्वत है ना, इसके मेरू के ऊपर ध्रुव तारा होता है, तो एक्चुअली इसका नॉर्थ कुछ होता नहीं है, लेकिन रेफरेंस के लिए ये हमारा अर्थ यहां पे है ना, तो इधर से इसको नॉर्थ माना जाता है मेरू को, जहां से इसके लिए मेरू नॉर्थ है, ये खुद अपने आप को साउथ बोलेगा, इसके लिए मेरू नॉर्थ है, तो ये रिलेटिव टर्म है। तो ये जो यहां जो इसके लिए नॉर्थ है, तो हम अभी ये इसको नॉर्थ पकड़ते हैं, हम यहां से स्टडी कर रहे हैं, तो इसके ये नॉर्थ हो गया, तो ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट में है ये वाला माउंटेन, इस माउंटेन का नाम है गंधमादन माउंटेन, और इसका है केतुमाला माउंटेन, सॉरी ये वाला है माल्यवान। तो माल्यवान और गंधमादन जो पहाड़ियां हैं वो इस साइड हैं, और इनका साइज जो है वो 2000 योजन, कल मैं गलती से 2 योजन लिख देते थे क्योंकि मेरे नोटबुक में एरर था, मतलब नोटबुक में देते ठेवने विसर लो मित्र, तो ये 2000 योजनों का पहाड़ी का लेंथ है, ठीक है। अगर हम इसको पहाड़ी लेते हैं, ये बॉटल देना, तो अगर हम इसको पहाड़ी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, समझिए ये पहाड़ी है, तो ये ऐसा है, समझो ये पानी गिर रहे हैं, ये ऐसा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 2000 योजन है, ये 10000 योजन है, और ऐसे ये लाइन में पहाड़ी का सीरीज जो है वो 34000 योजन है। अब बात समझ रहे हैं अभी, अगर इस पहाड़ को आप ऐसा देखेंगे, ऐसा, तो ये लंबाई में 34000 है, 34000 योजनों का रेंज है, हाइट इसका 10000 योजन है, और इसका जो विड्थ है वो 2000 योजन है, ठीक है। तो ऐसे यहां ये है और यहां ये है, सेम उसका भी वैसा है, ये दोनों माउंटेन है, ये ऐसे आते हैं। उसके बाद जो मेरू है, मेरू ये 16000 डायमीटर का है, यहां हमने देखा है, देखिए ये जिसका डायमीटर 16000 का है थिकनेस। अब इन दोनों के बीच में यहां से एक पर्वत का रेंज जाता है, एक है ऊपर से नील है, नीचे से निशाड़ है, तो नील पर्वत जो है उसकी लंबाई 94000 योजन है, और उसका थिकनेस वापिस 2000 योजन है, और उसका हाइट भी 10000 है। तो अगर हम डिस्क बनाएंगे तो बहुत सारे इमेजेस भी अवेलेबल हैं, तो हो सकता है किसी दिन हमको टाइम मिले तो हम लोग इसका बना सकते हैं, कॉटन का ऐसे पहाड़ियाँ बना सकते हैं, तो बीच में मेरू लाइन से ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे लगा दीजिए, हो गया जम्बू द्वीप डन, सिलेबस ओवर। तो ये ऐसे यही सेम डिस्टेंस साइज का ये वाला माउंटेन है, देखिए निशाड़ माउंटेन, तो नील और निशाड़ के बीच में ये है, ये दोनों माउंटेन्स हो गए। उसके बाद सेम वे से ये आपको ऊपर से श्वेत पहाड़ियां और हेमकुट पहाड़ियां ये दोनों बन जाएंगी सेम वे, उनका 82000 योजन उसका डिस्टेंस लेंथ है, 10000 उसका हाइट है, और 2000 उसका विड्थ है। सेम है यहां पे भी, निशाड़ माउंटेन के बाद हेमकुट, हेमकुट का भी वही काउंट है सेम। उसके बाद श्रृंगवान और हिमालय, ये हिमालय हमारे हिमालय नहीं है, वो ग्रेटर हिमालय, हमारा जो हिमालय है वो यही है, वो तो दिखता है, वो तो यहां आता है, वो यहां आता है, मैंने कल भी आपको दिखाया था। तो ये हिमालय जो है और ये श्रृंगवान जो है, इनका जो हाई साइज है, तो 2000 योजन उनका थिकनेस है, 10000 का हाइट है, और लेंथ में 60000 है दोनों, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए तो कितने वर्ष बने या वैलीज बने, वैली नंबर 1 इलावृत वर्ष, भद्र वर्ष, केतुमाल वर्ष,
रम्यक वर्ष, हिरणमय वर्ष, किरुकुरु वर्ष, हरि वर्ष, किम पुरुष वर्ष और भरत वर्ष। अब इनके बीच में जो लैंड है तो उनका लेंथ दिया गया है और विड्थ दिया गया है, तो इन एन एवरेज लेंथ कैलकुलेट किया गया है ये। मतलब अगर आप इसको यहां से अगर वो प्रॉपर एरिया लेंगे उससे उसको ट्रेपेज़ॉइड करेंगे तो एवरेज एवरेज लेंथ बनाते हैं, तो इसका जो लेंथ है इलावृत वर्ष का, हाइट 34 है, लेंथ भी 34 है, ठीक है, उसके बीच में 16 का गोल है, याद रखिएगा। और उसका जो इधर वाला वर्ष है यानी केतुमाला वर्ष, उसका 34 जो है वो ऊंचाई है और 31 इसका विड्थ है। इसका ये जो वर्ष है इसका नाम है भद्र वर्ष, भद्र वर्ष का 34 जो है ऊंचाई है 31 है, तो 31 प्लस 2 33, 33 प्लस 34 33 प्लस 67 प्लस 2 69 प्लस 31 हो गया 100। देखिए ये हजार, ये हजार योजन था ना, 1 लाख योजन था, हो गया, ये किलो योजन है ना, इसलिए 100 बोला मैंने। अब सेम आप ऐसे ले लीजिए, अब यहां से ये ले लीजिए, ये है 34 34 यहां से ले लीजिए, यहां से ये 34 हो गया, दोनों साइड से दो दो कितना हो गया 38, प्रॉब्लम है क्या, 38 34 प्लस 4 38, नौनों का विड्थ है, या इधर तक 38 ले लीजिए छोड़ दीजिए, या फिर ऐसा जोड़िए 9 प्लस 2 11 9 प्लस 2 11 9 प्लस 2 11, 33 यहां से 33 66 प्लस 34 100 हो गया। तो 9000 योजनों का विड्थ होता है और लंबाई सबका एवरेज में निकालोगे तो 88.3 किलो योजन, यानी 88,300 योजन, 72,400 योजन और 41,500 योजन इसका डिस्टेंस है। तो कल किसी को गलती से क्या लगा कि मैं इसका थिकनेस बता रहा हूँ, ये थिकनेस नहीं है, अंदर का है, अंदर का साइज है, कई बार मैंने यहाँ से डॉट से बना दिया तो कई लोगों को लगा कि इसके अंदर का है, ये अंदर का नहीं है, ये इधर है, ठीक है। तो ये कल मैंने आप सबको समझाया था, और पूरा जम्बूद्वीप का जो साइज है वो 1 लाख योजन है जो हमने यहाँ देखा है, और ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए, ठीक है, ये 9 वर्ष हैं, तो ये 9 वर्ष में डिवाइड होते हैं। अब आज हम क्या करेंगे, अभी हम मेरु के साथ ये जो वर्ष है ना इलावृत वर्ष, इस इलावृत वर्ष की चर्चा करेंगे। इसका चर्चा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मेरु के नजदीक है और गंगा जी जो ऊपर से आएंगी, जहां से भी आएंगी, अगर हम इस मेरु को ऐसा ले लेते हैं, यहां पे ऐसा ले लेंगे, तो गंगा जी जो है यहां से ऊपर से जो आती है उसका प्रवाह बताया जाएगा, वो 4 डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी, यहां से जाएंगी। तो कोई ये भी सोच सकता है ना, प्रभु जी पानी इस 4 पहाड़ियों के बीच में हो जाना चाहिए, बाहर कैसे आ गए, तो उसके हम स्टडी करेंगे। जैसे आप यहां देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस और बहुत ही हेवनली लोकेशन है, आगे तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी आपको हिंट दे देता हूं, केवल भारत वर्ष जो है ना यहां का, वो केवल कर्म क्षेत्र है, बाकी जितने हैं ये एक्चुअली स्वर्ग टाइप है, हेवनली टाइप है। एक होता है ऊपर वाला स्वर्ग, एक होता है भू स्वर्ग, और एक होता है बिल स्वर्ग। बिल स्वर्ग यानी जो नीचर प्लैनेटरी सिस्टम है वहां भी स्वर्ग का फीलिंग है। तो यहां जो रहते हैं ना ये लोग आनंद में रहते हैं, इधर कोई वो नहीं है, ये सिर्फ हमारे यहां वो है कर्म क्षेत्र, कर्म करना पड़ता है। यहां जो है जिनका स्वर्ग में कर्म खत्म हो जाता है, शीणे पुण्य मरते लोकम विशन्ति, नीचे आना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे पुण्य और भी बचे होते जो भोग सकते हैं, तो उनको यहां रखा जाता है, यहां का आयुष्य मिलता है, ठीक है। हरे कृष्णा। तो मैं ये वाला रखूंगा और ये वाला मैं पोच दूंगा, ठीक है। मैं 1 मिनट देता हूं, जो आज नए आए थे वो इसका पिक ले सकते हैं, क्योंकि मैं खड़ा रहता हूं तो ये ब्लर आता है, मैं हट जाता हूं 2 सेकंड्स के लिए। आप इसको नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद मैं इसको पोच दूंगा और फिर हम यहां पे आगे का डायग्राम इलावृत वर्ष का बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी पोच रहा हूं। हरे कृष्णा।
अब जो है, आपको एक चीज बता देता हूं, हम लोग ये इलाव्रत वर्ष कर रहे हैं वो याद रखिए। अब ये एक मिनट पकड़ो, इलाव्रत वर्ष जो है तो ये यहां छोटा है, इसको बड़ा करूंगा मैं, ठीक है? याद रखिए यहां से कहां से क्या है वो हमको समझ में आ जाएगा। अब इलाव्रत वर्ष को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं, यहां से लेके जाता हूं, ठीक है? यहां तक दिख रहे? तो अगर आप मेरे साथ यहां पढ़े हैं तो आपको मालूम है नील माउंटेन है, तो ये नील है, नील मैं कैपिटल में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। इसका लेंथ है, पूछ दिया मैंने, 92,000 था ना, कितना था नील का? 92,000 लिखने से अच्छा एक बार पढ़ लेता, 92 का है, 92, 92,000 योजन इंटू, ये उसका विड्थ है 2,000 योजन, इंटू हाइट है 10,000 योजन, बराबर। ये नील पर्वत है, 9,200 का लंबाई है, 2,000 का विड्थ है और 10,000 का हाइट है, ये याद रखिए। उसके बाद ये हाइट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि आपको फ्लो समझ में आएगा। उसके बाद यहां पे हमने देखा नील के नीचे निषाढ़ है, बराबर। ये निषाढ़ जो है इसका भी सेम सिचुएशन है, नाइन्टी टू थाउजेंड इंटू 2,000 इंटू 10,000 योजन, वाई यानी योजन। मैंने आपको, बहुत लोगों को पता नहीं है, बहुत लोग पीछे वाले लेक्चर सुनते नहीं हैं, एक योजन 8 माइल होता है यानी 12.8 किलोमीटर होता है। ओके, अब जो है ये आपका हो गया दूसरा माल्यवन और गंधमादन। तो माल्यवन जो है वो 34 का हाइट है, तो ये माल्यवन है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, माल्यवान। ये है 34,000 योजन इंटू 2,000 इंटू 10,000 योजन, ये माल्यवान है। तो इसका लेंथ 34 है, विड्थ 2,000 है, 34,000 ये है, 2,000 योजन ये है, और 10,000 हाइट है। तो ये भी 10 का हाइट है, ये भी 10 का हाइट है, ये भी 10 का हाइट है। आप लोग अपने घर पे एक मॉडल बना सकते हैं अपने लिए। उसके बाद निषाढ़ का मैंने आपको बता दिया है ना, इसको ऐसा लिखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। ये ज्यादा अच्छा लगता है ना, समझने भी आपको आसान होगा। और इसको है गंधमादन कहते हैं, ये दिख रहा है इधर का शाम, ये दिखता है? नहीं सर, मैं अलीकड़े महिला थोड़ा अलीकड़े गया ना, इस दौर आपको दिखेगा नहीं कैमरा में, इसलिए मैं इसको थोड़ा पीछे ले लेता हूँ, हलते नहीं, पर मैं कैलकुलेशन दिखना है ना। ये दिखते का ठीक है, तो यहां आप लिख दीजिए गंधमादन। कई लोग पूछते हैं प्रभु जी ये आपको इतना इतना सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, ये मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम, तो भागवतम की 5th कैंटो, ये श्रीमद् भागवतम का सारा रेफरेंस है। और उसके अलावा मेरे पास अजून एक बुक्स भी, ठीक है ना, आतले पण सूर्यसदन के, ये श्रीमद् भागवतम है जो हमारा भागवत पुराण कहते हैं। ये भागवत पुराण के 5th कैंटो में जो पंचम स्कंद है, ये जो आपको दिख रहा है,
इसे पूरा जम्बू द्वीप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, चैप्टर 16, स्कंद 5, अध्याय 16, 16 से आगे सारा कॉस्मोलॉजी है। तो ऐसे आप समझ भी सकते हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज होते, तो इसको पढ़िएगा फिर उसमें पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से आएगा। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमारा, ये जैसे सूर्य सिद्धांत से हम मोशन, सन का, वो सब देखेंगे, फिर उसके बाद हम वैदिक कॉस्मोलॉजी है इसको और भी समझेंगे, कॉस्मोलॉजी फ्रॉम द भागवत पुराण, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं और बहुत सारे डिवोटीज हैं जो और भी इन्फॉर्मेशन दिए, भूगोल तत्व है, वादिराज वर्णनम जो वादिराज तीर्थ है मध्व संप्रदाय के, उसके अलावा एक श्री संप्रदाय के आचार्य उनका भी कमेंट्री है, फिर उसके अलावा बहुत सारा और भी विष्णु पुराण इत्यादि पुराणों से, वायु पुराण, इन इधर से भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो तो लास्ट में इंटीग्रेट करने का हम लोग प्रयास करेंगे, सीक्वेंस में तोड़ना नहीं चाहता। तो गंध मादन जो है वो भी उतना ही है, 34,000 इंटू 2,000 इंटू 10,000 योजन, ठीक है। अब जो है याद रखिए, ये अर्थ धातु है, भू इसलिए कहते हैं, भूमंडल यानी अर्थ का धातु है, परंतु हमारा जो अर्थ है जो हम, वो यहां पे है भरतवर्ष के पूरा जो भरत खंड है यहां पे हमारा अर्थ है, ठीक है, वो बाद में हम उसको स्टडी करेंगे। तो ये जो 34 है उसके बीच में, अब ये समझो ये भी 34 है, ये भी 34 है, बराबर, ये हमने देखा था इसको 34x34 है, 34x34 है ना, राइट, इलावृत 34x34 है, बराबर, उसके बीच में 16 आएगा, तो इधर से 9 छोड़ेंगे आप, 9 अगर इसको आप सेंटर लेते हैं ऐसा, तो ये 9 और 16 करेंगे तब आएगा वो 9 9 18, बराबर, ये है, अगर हम प्रोपोर्शन से लेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये हो गया 16 का मेरु, और बच्चा जो यहां पे है सारे वर्ष हैं, तो अभी हम इसको इसको क्या करेंगे, मेरु को थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि हम बचे हुए पहाड़ों का डायग्राम बना सके, नहीं तो क्या होगा, हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोपोर्शन में ऐसा दिखेगा, पर इसको मैं हटा रहा हूं, और ये प्रोपोर्शन में भी है, तो मेरु ऐसा बीच में है, और ये इलावृत भी जो है वो उल्टा कपबशी की तरह ऐसा है, तो ये इधर जो भी गिरता है वो ऐसे ऐसे होते हुए जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, उल्टा, ये हमारे आचार्य कमेंट्री में लिखते हैं। तो बस स्टडी के लिए मैं इस बड़े को अब छोटा बना रहा हूं, ठीक है, और मेरु को थोड़ा सा कम कर दे रहा हूं, नहीं तो क्या होगा, स्टडी में हमको डायग्राम बनाने में दिक्कत होगा, तो इसको ऐसा ले लेते तभी फिलहाल। तो याद रखिए, ये टोटल कितना है, 16,000 योजन। कल मैंने बताया था आपको कि ये 16 नीचे है कि ऊपर, में कंफ्यूज था, लेकिन आज मुझे वो कंफर्म हो गया कि वो ऊपर है, जो डिवोटीज है उनसे, बहुत सारे स्कॉलर से कंफर्म हुआ है। अरे ब्राउन चौक। अब जो है ये मेरु है, कलर करने से कहता है उसको पीला कलर करते हैं, आगे जाके हमको पता चलेगा कि सिर्फ गोल्डन कलर नहीं, तो बहुत सारे रेज एमिनेट करते हैं मेरु, ठीक है, उसका हम लोग स्टडी करेंगे, जब सन का करेंगे तब उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, ये मेरु हो गया। अब जो है उस मेरु के, मेरुमंड कुमुद, अब जो वर्णन आता है वो ऐसा है कि चार हिल्स हैं, चार रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, वो उसको आप ऐसा ले सकते हो, फर्स्ट एडजेसेंट है ना देवर्ती, ठीक है, ये चार जो पर्वत हैं इनको दिया गया है, इनका नाम है, नाम में चाहिए तो इससे लिख देता हूं, इंग्लिश से लिख देता हूं, बजाओ मत उसको,
इसका नाम है कुमुद। सारों का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा मैं आपको। उसके आगे है मंदार, उसके आगे है मेरु मंदार, और यहां का है सुपर्श्व। ठीक है, सुपार्श्व। अब जो है ये जो माउंटेन्स हैं इनका लेंथ है, यानी अगर आप इसको लेंथ को ये चौक से लिखते हैं तो इनका लेंथ है 10। ये सारे जितने पर्वत है ना, ये सब का लेंथ है 10,000 योजन। नीचे लिख देता हूँ, जगह बनेगा, इधर लिख देता हूँ। ठीक, इधर 10,000 योजन। और विड्थ है सेम, आपको मालूम होगा विड्थ क्या होगा, 2,000 योजन। तब दिखते करें कलर दिखते थे, हाँ दिख रहा है आप सबको, मैं वही सोच रहा था दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो इसका डिस्टेंस है 2,000 योजन, ऐसा लेंथ है 10,000 योजन, और इसका हाइट है 10,000 योजन। क्या हालूनों को चला श्याम, और जो हाइट है उसका वो भी 10,000 योजन। मैं एक मिनट बस पीछे जा रहा हूँ। 10, और जो हाइट है इसका, यानी ये ऐसा वाला हाइट है, तो मैं यहां लिख देता हूं इसका हाइट जो है वो 10,000 योजन है। इधर लिख देता हूं मैं हाइट, तो उससे आपको समझ में आएगा कि इसका हाइट। ग्रीन से लिखा है मतलब ग्रीन का हाइट है। ठीक है, ये जो ग्रीन चौक वाला और डायमेंशन का हाइट है, ऐसा मैं इसको ऐसा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये चारों का वही हाइट रहेगा, सेम यहां पे आने वाला है। इसका जो डिस्टेंस है वो भी 10 और 2, 10 और 2, 10 और 2। ठीक है, सेम यहां पे 10 और 2, 2,000 योजन और 10,000 योजन, सेम यहां पे 10,000 इसका योजन। क्या है, सुनते हो सब फटाफट हो जाता है, लेकिन जब बाद में डायग्राम देखते हो तो कभी कभी कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको लिख लिया करो। ठीक है, फिर इसका भी जो है हाइट जो है वो है, लेंथ जो है वो है 10,000 योजन, और इसका डेप्थ जो है या लेंथ ऐसे देखा जाए तो 2,000 योजन। ठीक है, और इन सब का हाइट जो है वो है 10,000 योजन। तो अब जो कुमुद है, ये नाम सुन लीजिए, कुमुद मंदार, मेरु मंदार, सुपार्श्व। और आपको मैंने बोला ये इधर से लेके थोड़ा ये नीचे तक जाएगा, कपबशी की तरह थोड़ा स्लांट होगा ऐसे। ठीक है, लेकिन वो स्लांट अभी इसमें नहीं दिखा सकते 2D में, उसको 3D में देखेंगे तब मिलेगा। अब जो है इतना होने के बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन सुन लीजिए। अब ये डिस्क्रिप्शन लिखना है तो मैं इसको मिटा दूंगा तो प्रॉब्लम है कल के लिए। मिटा तो सकते हैं अभी, हाँ फोटो निकाल के मिटा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा इसको बिना मिटाए ही, इसको ऐसा करेंगे यहीं पे बना देंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन लिखने में प्रॉब्लम आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अब इसके अंदर तो हम लोग चले गए हैं, हम कहाँ हैं वो भी आपको समझ में आ गया, और जब अगली बार हमको कोई वर्ष पढ़ना होगा तो इस डायग्राम को मैं अलग से वापिस बना दूंगा। तो एक बार इस डायग्राम को आप लोग, मैं पूछने वाला हूँ तो आप इसको यूज़ कर लो, क्योंकि इसके आगे जो इसके वर्णन है वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, और भी डिटेल्स उसके अंदर जाने वाले, तो इसको एक बार लिख लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत मोह आसक्ति हो गया है मुझे मेरे डायग्राम से।
कुछ लोग कह रहे हैं ऊपर से जा रहा है, तो ये ऊपर से नहीं जा रहा है, ये इतना दिन से आप लोगों को अनाड़ी की तरह रखा था, पढ़ाया नहीं था आप लोगों को, पढ़ाया देयर आर 9 प्लैनेट्स। और मैडम एकदम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आती थी, हमने 9 प्लैनेट्स के ऊपर पढ़ने का मन भी नहीं किया। कोई बात नहीं, पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है, सरकारें बदल रही है, नियति बदल रही है, थिंग्स आर चेंजिंग, कीप मूविंग। ओके, जो मेरे को करना था मैंने कर दिया, मैंने पोज दिया। अब जो है ये, ओके ये वाला चौक ले लेता हूं मैं। तो अब जो चार पर्वत हैं, ये जो चार पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के ऊपर है ना, ये अगर ये पहाड़ है तो उसके ऊपर पेड़ है अलग अलग, लाइक इसके ऊपर एक पेड़ है, इधर से एक पेड़ है, ओके। अब ये ऐसा शास्त्र इसमें भी कहा गया भागवतम में कि इन पेड़ की वजह से पहाड़ जो है वो टिका हुआ है, और ये अलग अलग पेड़ से अलग अलग चीजें बनने वाली हैं अभी, ठीक है वो याद रखिए कि इस पेड़ से क्या बनेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ओके, एक्चुअली आपको ये पेड़ का, ठीक है मैं दे देता हूं, क्योंकि एक याद रखिए यहां पे और एक पर्वत का श्रृंखला आने वाला है, तो ये जो यहां से जो भी फल का जूस गिरेगा वो इधर तक आएगा, वो याद रखिए, ठीक है। अब पहला है कुमुद, किधर तक दिख रहा है शाम, किधर तक दिख रहा है, ही तो दिखता है, लियो ही था, मैं इधर से लिखता हूं, पहला है कुमुद, ठीक है ये पहला पर्वत है, दो तीन पर, तीन पर ना, तीन और चार। दूसरा है मंदार, तीसरा है मेरु मंदार, कई बार बच्चों कसाय रे तू मंदार, और यह है सुपार्श्व। ठीक है, तो मैं इसको ये मेरु मंदार यहां लिख देता कि वो जगह मेरा कम जाए, मेरु मंदार। ये मैं अपने स्टाइल से बना रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। अब ये जो ये जो माउंटेन है रेंज में, ये इधर है, ठीक है। अभी तक हमने ये सारे नाम सुने थे यहां वहां से, लेकिन कहां क्या है ये हमने कभी पढ़ा नहीं था, या हमको पढ़ाया नहीं गया, तो इसमें कौन सा पेड़ है वो देखेंगे, ठीक है पेड़ कौन सा है, और उसके वजह से कौन सी रिवर या वो बना वो देख लेंगे हम लोग, है ना, लेक बनता है, हर एक का लेक बनता है, लेक यानी तालाब, वो क्या चीज का है, उसका क्या गुण है वो हम लोग देखेंगे, और फिर उस लेक से हमको उसके आसपास कुछ डिस्क्रिप्शन है। गार्डन लिख सकते हैं, गार्डन्स जो हैं, या उधर उधर क्या होता है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे। तो अब होता है क्या है, मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा, कि यहां से यहां भी एक माउंटेन रेंज आने वाला, जो मैं इसके बाद बताऊंगा। तो यहां से जो वो फल है, जिस फल का ये पेड़ है, उसके जूस गिरते हैं और वो इस एरिया में जमा हो जाते हैं अलग अलग, तो उधर क्या क्या होता है ये हम थोड़े में पढ़ेंगे। तो पहला जो कुमुद है, कुमुद के ऊपर आम का पेड़ है, मैंगो। अब ये मैंगो जो है, इसका फल इतना जूसी होता है, इसको देवच्युत भी कहते हैं, मैंगो कहो या इसको संस्कृत में देवच्युत भी कहते हैं, ठीक है। वो पेड़ जो है
उसका है, ये लिखने के बजाय हाँ इधर डायमेंशन लिख सकते हैं, डायमेंशन सबका सेम है एक्चुअली। सारे जो पेड़ है ना, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, जितने भी पेड़ हैं इनका हाइट 1100 योजन है, और ये स्टार लिख देता हूँ, स्टार नोट होता है ना, नोट प्लीज नोट, इनका विड्थ भी 1100 योजन है, इनका जो रूट है वो 100 योजन का है, ये सारे जो पेड़ हैं एक से एक सब उनका साइज ऐसा ही है, ठीक है। तो ये इधर मैंने स्टार कर दिया है, स्टार मतलब वहां जाके हम पढ़ लेंगे ये वाला, ठीक है। ये सारे पेड़ उसी साइज के हैं। अब जो है पहला आम का जो है वो आम का जूस है, और उधर एक तालाब है, इसके पास एक तालाब भी है क्योंकि जूस भी गिरता है, एक तालाब भी है ऊपर में, ठीक है। वो जो तालाब है, मैं एक मिनट आपको पढ़ देता हूँ, देवचुता ब्रेक उसको अरुणोदय कहते हैं, एक मिनट। हाँ तो यहां पे ऊपर में तालाब है, ठीक है, उस तालाब को हम लोग ब्लू कर सकते हैं यहां पे, अभी माउंटेन में है लेकिन अभी हम लोग इसको ऐसे, ठीक है। और ये जो तालाब है हर एक के अलग अलग हैं, तो जैसे इसका पहले कुमुद का मैंगो पेड़ है, इसका जंबू है, जंबू यानी रोज एप्पल बोलते हैं जंबू, उसके बाद कदम्ब है, आप लोगों ने कदम्ब देखा होगा, कदम्ब यानी आपने महाराष्ट्र में भी मिलता है आपको ऐसा रहता है, उसको फ्लावर फ्लावर आता है कदम्ब, हाँ वृंदावन में भी लोग यूज करते हैं, देखते हैं बिहार में उसका चटनी बना के खाते हैं। और बाद में है शतवत्स यानी बैनियन ट्री, या बैनियन ट्री ठीक है, बनियन यानी अश्वत्थ का पेड़। इसका लेक जो है वो मिल्क का है, दूध हनी मध शुगर केन, ये याद रखे, ये भूमंडल वाला नहीं है, अलग है, अंदर इलावृत के अंदर है शुगर केन, और ये पानी वाला है सूप, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि जो गार्डन है इसका नाम है नंदनंदन गार्डन, हम लोग बोलते हैं ना नंदनंदन गार्डन में, स्वर्ग में नंदनंदन गार्डन है, वो यहाँ पे है, ये भी स्वर्ग ही माना जाता है, भू स्वर्ग, चैत्र अर्थ, हेवन ऑन अर्थ बोलते हैं, चैत्र रथ वैभ्रजक, वैभ्राजक इसका नाम है, और सर्वतो भद्र, अब इसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है कि अगर सबका देखने जाए तो सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, आनंद है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कैसे तैसे, ऑलरेडी मेरा 7 ही मिनट है तो मैं इसको ख़त्म भी करना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी इसका ही ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब ये नहीं समझेंगे, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो गंगा नहीं समझेंगे कि गंगा आई कहाँ से, कहाँ से कहाँ गई, तो इसलिए ये समझना उतना इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन आएगा प्रभु जी फिर वो पर्वत में नहीं फंसा क्या उसमें, तो साथ में रहिए। तो ऐसा कहते हैं ये जो सारे जगह है ना, ये सारे देवी देवताएं यहाँ पे आनंद लेते हैं, ये सारे जगहों पे, और ऐसा कहते सिद्ध चारण गंधर्व इत्यादि आनंद लेते हैं, और ये जितने भी गार्डन है इसमें देवी देवताओं की पत्नियां इस गार्डन में रहती है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अलग है जो मैंने इसमें लिखा नहीं, बहुत इसमें टाइम जाता है। तो ये जो है यहाँ शिव जी की पत्नियां है, कुमुद में है ना, कुमुद में यार याद रखिएगा, शिव जी की जो पत्नी है पार्वती जी,
ये सारे यक्षों की पत्नियों के साथ, यक्ष की पत्नी उनके साथ रहती है। यहां पे वो आते हैं और यहां पे आनंद लेते हैं सारे यक्ष के पत्नियां इत्यादि। ये जो जंबू है, ये जंबू का जो पूरा जूस गिरता है, इससे भी नदियां होती हैं। इसमें आम का नदी होता है, उसको अरुणोदय, अरुणोदय बोलते हैं। ये जंबू से जो निकलता है, तो यहां पे जंबू फल जब गिरता है और सूर्य के किरण से वहां सोना बन जाता है, गोल्ड। हाँ, तो यहां गोल्ड बन जाता है, तो याद रखिएगा जंबू से। और इसी जंबू के वजह से जंबू द्वीप, पूरा द्वीप का नाम गिर गया। सोना है ना, इंपॉर्टेंट है, तो गोल्ड गोल्ड बन गया। और यहां जितने भी देवी देवता अपना वो बनाते हैं ना हेलमेट, वो पूरा ऑर्नामेंट्स, वो यहीं के सोना से बनाते हैं। तो अगर आपको यहाँ सोना ना मिले तो एयर फ्लाइट भेज दीजिए, वो ऐसे तो ये माउंटेन पार ही नहीं कर पाएगा, फट जाएगा, लेकिन फिर भी पहुंच गया तो यहाँ से लेके आइए, है ना। ये गोल्ड है, फिर ये वैभव जगह, ऐसे सबका अपना अपना गुण है। वो आप चाहे तो भागवतम में आप लोग पढ़ सकते हैं, कैंटो 5 चैप्टर 16, है ना, वो सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। हाँ, आपको चाहिए तो मैं थोड़ा पढ़ के दे देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इधर के कुछ माउंटेन्स है वो बताऊंगा, ठीक है। मैं जस्ट पढ़ता हूं ताकि आप समझ लें। सिमिलरली ये कैंटो 5 चैप्टर 16 वर्स नंबर 24, आप वर्स नहीं पढ़ सकते, प्रोज में है, बहुत लंबा होता है वो। सिमिलरली ऑन कुमुद माउंटेन देर इज अ ग्रेट बैनियन ट्री विच इज कॉल्ड शतवत्स, शतवल्स, बिकॉज इट इज, इट हैज 100 मेन ब्रांचेज, इसको 100 ब्रांच हैं। फ्रॉम दोज ब्रांचेज कम मेनी रूट्स फ्रॉम विच मेनी रिवर्स आर फ्लोइंग। दिस रिवर्स फ्लो डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन टू द नॉर्दर्न साइड ऑफ इलाव्रत, मतलब उसके लिए ये नॉर्थ है, तो यहां गिरेगा, सबका अंदर गिरेगा, याद रखिए। फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु लिव हियर बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ऑल द पीपल हैव एम्पल ऑफ मिल्क सप्लाइज, मिल्क, योगर्ट, हनी, क्लेरिफाइड बटर, मोलासेस, फ्रूट ग्रेन्स, क्लोथ, बेडिंग, सिटिंग प्लेस एंड ऑर्नामेंट्स। ऑल द ऑब्जेक्ट दे डिजायर हियर सफिशियंटली फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड दे लिव वेरी हैप्पीली। तो यहां पे बेसिकली थोड़ा ह्यूमन कल्चर है, याद रखिएगा। उसके बाद इधर आएगा दूसरा वाला, द रेजिडेंट्स ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड हु एंजॉय द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स हैव नो रिंकल्स। वहां पे किसी को भी चमड़े में रिंकल नहीं होते। यहां हम लोग को रिंकल आ जाता है ना, तो बड़े हम लोग कॉशियस होते हैं, माय गॉड यू नो रिंकल्स, में बुढ़ी हो गई। तो यहां बुढ़ी उड्डी का बात नहीं था, टकाटक, कोई टेंशन नहीं। ऑन देयर बॉडीज नो ग्रे हेयर, बाल भी नहीं पकते। आंटी आंटी, कोई आंटी वंटी यहां नहीं रहना, कोई टेंशन नहीं। दे नेवर फील फैटिग, यहां कोई थकता नहीं। एंड परस्पिरेशन, कोई पसीना नहीं। डज नॉट गिव देयर बॉडीज अ बैड ऑर्डर, दे डू नॉट, दे आर नॉट एफ्लिक्टेड बाई ओल्ड एज, बूढ़े नहीं होते, डिजीज और अनटाइमली डेथ। दे डू नॉट सफर फ्रॉम चिली कोल्ड और स्कॉर्चिंग हीट, नॉट डू देयर बॉडीज लूज देयर लस्टर, दे ऑल लिव वेरी हैप्पीली विदाउट एंग्जाइटीज अंटिल डेथ। यहां आराम से रहते हैं लोग। देर आर अदर माउंटेन्स ब्यूटिफुली अरेन्ज अराउंड द फुट, ठीक है, उसके नीचे और भी हैं ऑफ माउंट लाइक फिलामेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, तो वो अलग चीज है। ये मैं, ये कुमुद का था लास्ट वाला, उसे अगर पहले पढ़ना है तो आपको सुपर शो माउंटेन का है महाकदम्ब, अगर आप वो पढ़ना है तो पीछे जाना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा। तो ये ले लीजिए, आप थोड़ा पढ़ ही लीजिए अगर पढ़ ही रहे तो। तो ये जम्बू से पहले है मंदारहा। ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ मंदारा देयर इज अ ट्रेम देवच्युत, कुमुद नहीं था, ओके कुमुद लास्ट में दिया था। मंदारा माउंटेन, ये मंदारा माउंटेन का बात कर रहे हैं। देयर इज अ मैंगो ट्री, ओ ये मैंने इधर से लिख दिया, कुमुद से मैंगो कर दिया मैंने। ये मंदारा से स्टार्ट होता है, माफ करिएगा, ये मंदारा से जाके नीचे जाता है, ठीक है। ये मैंने यही मैं बोला कि कैसे गलत हो गया, एक्चुअली ये यहाँ से चालू होता है, तो थैंक यू। ये बस थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है। मैंने एक्चुअली मेरा डायग्राम रेफर किया, तो मेरे डायग्राम में कुमुद आ गया, ठीक है। ये जो पहला है, तो मैंगो का जो है वो मंदारा से है, ठीक है। ये एक्चुअली वो वन वहां से चालू होता है उनका, क्योंकि मैंने डायग्राम वहां से बनाया, इसलिए मैंने वो वन किया। वो भागवतम वहां से चालू होता है, ईस्ट से लेके ऐसे चालू होता है मंदारा माउंटेन, और उसमें मैंगोज के ट्री हैं, वो मैंने आपको बताया। और उसके, उसका वर्णन वायु पुराण में भी आता है, ठीक है। और जो जो फ्रूट्स हैं वो ब्रेक होते हैं, और दे ब्रेक एंड सेवरल फ्रेग्रेंट जूस फ्लोज आउट एंड बिकम्स इंक्रीजिंग फ्रेग्रेंट एज इट मिक्सेस विद अदर सेंट्स।
दैट जूस कैस्केड्स फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द वाटरफॉल्स एंड बिकम्स अ रिवर अरुणोदय, यहाँ अरुणोदय हो जाता है, विच फ्लोज प्लेजेंटली थ्रू ईस्टर्न साइड ऑफ इलावरत, ठीक है। और यहाँ पे जो है यक्ष की पत्नियां शिवजी के साथ रह के जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे होता है, ठीक है। सिमिलरली जम्बू जो सेकेंड है वो जम्बू है, पल्प फ्रॉम द सीड्स ऑफ, इसको जम्बू नदी भी बोलते हैं, जम्बू नदी, ठीक है। ये मेरू मंदारा में आता है जम्बू, ठीक है, मेरू मंदारा, ये एक्चुअली उस साइकिल से जा रहा है अभी ये बस। उसके बाद मेरू मंदारा टू द सदर्न साइड ऑफ इलावरत एंड फ्लड्स द एंटायर लैंड ऑफ इलावरत विद जूस, ये भी उसको उसके जम्बू नदी से कर देता है, जो गोल्ड वाला पार्ट है वो यहां पे होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ऑर्नामेंट्स। देयरफॉर ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स एंड देयर यूथफुल वाइव्स आर फुल्ली डेकोरेटेड विद गोल्डन हेलमेट्स बैंगल्स एंड बेल्ट्स एंड दस दे एंजॉय लाइफ, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ सुपरशो माउंटेन इज कॉल्ड महाकदम्ब, सुपरशो यहां पर है माउंटेन, ठीक है। तो ये जो सुपरशो है वो यहां पर आता है, तो सुपरशो का सुपरशो उसमें कदम्ब है और उसमें ये सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। और ये अब क्या होने वाला है, ये बेसिकली ये हनी जो है ना, दिस ट्री फ्लो फाइव रिवर्स ऑफ हनी, ईच ऑफ फाइव व्यामज वाइड, दिस फ्लोइंग हनी फॉल्स इंसेसेंटली फ्रॉम द टॉप सुपरशो माउंटेन एंड ऑल अराउंड इलावरत वर्ष, तो वो हनी का रिवर यहां पे बनाता है, ठीक है, वो याद रखिए। तो ये लेक अलग है, उसका रिवर अलग है। उसके बाद एंड एयर कैरिंग द सेंट, यहां से जो भी एयर कैरी करता है, सेंट कैरी करता है, वो एक्चुअली मैंने अगले पेज में लिखा है सारा, माफ करिएगा, यहां मैंने लिखा था पढ़ने एक पेज में, तो यहां से मैं बता सकता हूं आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं यहां से पढ़ के बता रहा हूं। द एयर कैरिंग द सेंट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ दोज हू ड्रिंक दैट हनी परफ्यूम्स द लैंड ऑफ 100 योजनाज अराउंड, यहां से जो लोग हैं उनका 100-100 योजन तक परफ्यूम जाता है, इतना उधर इंटॉक्सिकेटिंग सिचुएशन है, ठीक है। फिर उसके बाद कुमुद माउंटेन, देयर इज बैनियन ट्री, ये कुमुद आएगा, वो नंबरिंग मैंने गलत कर दिया था, 100 मेन ब्रांचेस एंड उनके रूट से सब जो जाता है वो इलावरत वर्ष के नॉर्थ साइड में जाता है, एंड दोज बिकॉज ऑफ फ्लोइंग रिवर्स ऑल द पीपल हैव सप्लाइज ऑफ मिल्क एटसेट्रा, ये वगैरह दिया हुआ है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एंजॉय मंदार से 1, 2, 3, 4 चालू होता है, तो ये जो आपके लेक्स भी हैं वो एक्चुअली सीक्वेंस में आगे पीछे हो जाएंगे। मिल्क हनी शुगर केन जूस, तो अब ये जो है ना एक्चुअली मिल्क यहां आ जाएगा और हनी यहां आ जाएगा, ठीक है, वो जो 1, 2, 3, 4 है ये हनी आ जाएगा एक्चुअली इतना लिखने से, और ये शुगर केन आएगा, ठीक है, और ये वाटर आएगा, ये लेक्स का सीक्वेंस है एक्चुअली, मैंने सीक्वेंस गलती से इसको वन ले लिया था, ये वन है, 1, 2, 3, 4 है, तो क्योंकि हमारे आदत रहते हैं ना ऊपर से हम नीचे आते हैं, लेकिन ये जो ईस्ट साइड में ये मंदारा से उन्होंने डिस्क्रिप्शन चालू किया है, ठीक है। तो ये होने के बाद अब ये समझ गया, तो अभी इसमें मैं ऐसा करूँगा, ऑलरेडी 11 बज गया है, तो कल हम लोग इसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर एक्चुअली माउंटेन्स हैं, इधर से फिलामेंटल माउंटेन्स हैं, और फिर मेरू के ऊपर का जो टॉप है उसका डिस्क्रिप्शन आने वाला है, और फिर आगे जाके गंगा जी का फ्लो इत्यादि इधर से आने वाला है, तो वो यहाँ से कैसे पास होते हैं और आगे जाते हैं ये हम सब देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ एंड करता हूँ, और एक जस्ट आपको याद दिला दूँ, यहाँ मैंने ये सीक्वेंस चेंज कर दिया, मंदारा वन था वहाँ से सीक्वेंस चालू होता है, तो ये ऐसा होता है ना, वो उन्होंने मंदार मिलकर ले लो तो करें, एक मिनट, मंदार मेरू मंदार सुपरशो कुमुद और उनके लेक्स हैं, मंदारचा
मिल्क हनी शुगर केन एंड वॉटर, तो मला असं वाटतं ते चुकलं आहे नाही का, आधीचं बरोबर होतं. दिस वॉज वो जो था मैंने यहाँ लिखा था वो सही था. ओके इतने सारे डॉक्यूमेंट्स रेफर करने के बाद तो बेसिकली अगर इसी को वन रखते तो सेम था जो मैंने पहले लिखा था. इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ, ठीक है. ये है मिल्क. ओके मिल्क के बाद आएगा आपको, अंडरलाइन भी नहीं किया मैंने, हनी, हनी शुगर केन जूस, हनी शुगर केन जूस जो पहले था ना वही था, सॉरी. ये बस सीक्वेंस मुझे चेंज करना था. और ये वाटर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. तो कुमुद में ही वाटर है और ये बाकी जो हैं इधर अलग अलग ये लेक्स हैं जो मैंने अभी आपको लिख के दिए. सॉरी अगर मैंने कुछ जो किया है वो क्या होता है, मेरे पास भागवतम होता है, ये होता है, और मैंने अपने नोट्स देखने भूल गया आपको इधर से पढ़ान चालू कर दिया. सो दिस इज द अल्टीमेट थिंग. और आपको जो भी चाहिए कैंटो 5 चैप्टर 16 में आपको मिल जाएगा, आपको सारे वर्सेज उसमें दिए हुए हैं, सारी चीज़ें समझाएं. अगर यहाँ भी कुछ है तो ऑलवेज रेफर टू द मेन बुक. हरे कृष्णा. ठीक है तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. टेबल बनो ले सीक्वेंस 1 2 3 4. हरे कृष्णा. तो अभी हम लोग कीर्तन करते हैं तो मैं इधर ही रह जाता हूँ, तो उससे जिसको नोट डाउन करना पैरेलली कीर्तन के साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं. अभी याद रखिएगा मेरू माउंटेन में मेरू के साइड के चार पहाड़ियाँ और कुमुद और इत्यादि जो बड़े चार हैं उनके सर्कल में फिलामेंट रूप में और पहाड़ियाँ आने वाली हैं जिनका हाइट मेरू के बराबर है. तो बहुत कुछ उससे सीक्वेंस में चेंज आने वाला है, वो याद रखिए. कल हम उसको ऐड करेंगे. हरे कृष्णा. आइए कीर्तन करते हैं. तब तक जो लोग नोट डाउन कर रहे हैं प्लीज़ नोट डाउन करिए. और ये माउंटेन है वो मंदारा से सीक्वेंस 1 चालू होता है, मैंने गलती से कुमुद कर दिया था. तो मंदारा 1, उसका मैंगो मिल्क लेक है, और गार्डन जो है नंदन गार्डन है. और मेरू मंदारा जो है वो बस उसका जाम्बू है, जाम्बू उसे गोल्ड बन जाता है. उसका गार्डन का नाम चैत्र रथ है. ऐसे सारा डिटेल है. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे Oh,
बोलो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। तो कल क्या है, मैं यहीं से चालू करूंगा, सॉरी ये जो भी है डायग्राम यहीं रहेगा, इधर से चालू करूंगा। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी सारे उनके डिस्क्रिप्शंस लिख दिए थे, लेकिन मैं भूल ही गया कि मैंने लिखा है मैं इसी पेज पे रह गया। इधर भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, लेकिन एक्चुअली डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने सेकेंड पेज में लिखा है। तो ये सारा मैं कल और रिवाइज़ कर दूंगा। यहाँ के डिस्क्रिप्शन और भी थोड़े हैं, वो मैं रिवाइज़ कर दूंगा। ये पूरे स्ट्रक्चर को कल रिवाइज करेंगे, और यहाँ जो और माउंटेन्स आने वाले हैं और यहाँ फिलामेंट्स आने वाले हैं, इसका डिस्क्रिप्शन करके इसको ख़त्म करके हम आगे जो टॉप में मेरू के टॉप में क्या है, ब्रह्मा जी का जो ब्रह्म लोक है ना, सत्यलोक 14 प्लैनेट सिस्टम में, तो उसका एक एम्बेसी उनका मेरू माउंट के टॉप में भी है। तो कहाँ क्या क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आज हमको पता चला कि शिव जो हैं अपने पार्वती जी के यहाँ रहते हैं, और उनके जो सखियाँ हैं यक्ष की पत्नियाँ, उनके साथ यहाँ रहती हैं, और यहाँ पे नो तो है जम्बूद्वीप में गोल्ड मिलता है, और क्या चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। कल मिलेंगे।